morning after a long gap. I am going to start the grammar portion. I think you will do good in future, and I will try to give you regular courses of grammar. Please, you may see it and try to understand what is case. The next part of grammar is case. As you know that case is already a part of noun. जैसा आप जानते हो कि case भी noun का हिस्सा है, और इसे हम लोग आज पढ़ेंगे और देखें कि case क्या है. जैसा कि आप जानते हैं कि case is the, यदि आप definition देखें तो case is the use of different forms of nouns or pronouns to show their function in a sentence. क्या कहता है कि केस इज द यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाउन. केस जो है नाउन के अलग अलग रूपों में या प्रोनाउन के अलग अलग रूपों में इनका प्रयोग होता है, ये दिखाने के लिए कि किसी वाक्य में उनका फंक्शन क्या है, उनका कार्य क्या है. अर्थात आप लिख सकते हो संज्ञा या सर्वनाम, इसका हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के अलग अलग रूपों का के अलग अलग रूपों का किसी वाक्य में उनके कार्यों को अलग अलग प्रदर्शन या संबंध दिखाना ही केस, या हिंदी में आप इसे कारक केस या कारक कहलाता है. सिंपली क्या है कि केस इज द यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन्स टू शो देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस. अर्थात क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम के अलग अलग रूपों का किसी वाक्य में उनके कार्यों को अलग अलग प्रदर्शन या संबंध दिखाना ही केस कहलाता है, यानी कारक कहलाता है. जैसा कि आप भी हिंदी ग्रामर में पढ़ चुके हैं. फिर आप देखेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस, केस के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं. ठीक है, चूंकि इनके पूरे विस्तृत अध्ययन आपको करना है. जैसा कि आप जानते हैं कि इन इंग्लिश ग्रामर इट हैज मेनली फोर काइंड्स, जबकि हिंदी ग्रामर में आप पढ़ते हो क्या, इसके एट काइंड्स होते हैं. हिंदी ग्रामर में आठ प्रकार होते हैं, और यहां आप पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में मुख्यतः चार प्रकार होते हैं. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस. इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरे शब्दों में सब्जेक्टिव केस. यानी यदि आप हिंदी इसका देखें
इसका मतलब हुआ कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक है, सेकंड जो इसका आता है वह है ऑब्जेक्टिव केस। पहला क्या हो गया, पहला हो गया नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी में आप कर्ता कारक कहते हो। दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यानी इसी को आप बोलते हो एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, यानी हिंदी में इसे आप बोलेंगे कर्म कारक। ठीक है, तीसरा इसका है, तीसरा जो इसका भेद है उसको आप बोलेंगे वोकेटिव केस। तीसरा जो इसका भेद है वो आपका है क्या, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस या इसको आप बोलते हो केस ऑफ एड्रेस, यानी संबोधन कारक, संबोधन कारक। और जो चौथा है वो आपका पजेसिव केस, पजेसिव केस, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं जीनेटिव केस। यानी इसको बोलते हैं संबंध कारक, तो इस तरह से ये केस के आपके भेद हैं, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस जिसे कर्ता कारक बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जिसे आप एक्यूजेटिव केस बोलते हो कर्म कारक, तीसरा वोकेटिव केस जिसे आप केस ऑफ एड्रेस बोलते हो यानी संबोधन कारक, और चौथा क्या है पजेसिव केस यानी जेनेटिव केस जिसे आप संबंध कारक बोलते हैं। तो अब एक एक करके आप क्या देखेंगे, इसका डेफिनेशन, और जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगी। हिंदी में तो सिंपली आप समझते हो कि कर्ता कारक क्या है, वही चीज़ आपको यहाँ बताते हैं। व्हेन यानी इसका जब डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे व्हेन ए नाउन वर्क्स एज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस ऑफ ए सेंटेंस इट इज नॉन एज नॉमिनेटिव केस, ठीक है। क्या लिखे, व्हेन ए नाउन वर्क्स, जब कोई नाउन काम करता है किसका, एज द सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, किसका ऑफ ए सेंटेंस यानी किसी वाक्य में जब कोई नाउन कर्ता का काम करता है इसे हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। हैं हिंदी लिखना तो हमारे ख्याल से जरूरी नहीं, आपको याद ही हो गया होगा। वो क्या है कि जब किसी वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन भी बोल सकते हो, नाउन या आप लिख सकते हैं यहां कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, और करके आप प्रोनाउन जोड़ दीजिए यहां प्रोनाउन, यानी व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन वर्क्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इट इज नॉन नॉमिनेटिव केस, यानी जब किसी वाक्य में, किसी वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव का, सब्जेक्ट का काम करता है उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका लिख सकते हैं जैसे क्रोज आ ब्लैक, यानी कौए काले होते हैं, कौए काले होते हैं। इसमें क्रोज क्या है, क्रोज नाउन है और ये इस वाक्य का ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरा इसका है
आप ऑब्जेक्टिव केस, यानी दूसरा जो इसका भेद है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी आप इसको यहां बोलेंगे एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को आप क्या बोलते हो, एक्यूजेटिव केस। यानी हिंदी में हो जाएगा ये कर्म कारक। यानी आप इसे लिख सकते हैं कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन वर्क्स एज द, यहां आप दे देंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट इज नॉन एज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं, ही इज टीचिंग हिम इंग्लिश। तो क्या देख रहे हैं, क्या कहता है कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, जब कोई संज्ञा सर्वनाम कोई किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तो यहां जो देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट है, हिम और इंग्लिश। तो हिम ये क्या है, प्रोनाउन है, और इंग्लिश क्या है, ये आपका नाउन है। तो ये प्रोनाउन और नाउन ये दोनों यहां काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, इसलिए इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। समझ गए। नंबर जो तीसरा है, तीसरा नंबर जो केस का है वो भी बिल्कुल हल्का है, और ये तीसरा ऐसे किसी किसी ग्रामर में इसमें आप देखेंगे किसी ऑब्जेक्टिव केस को भी वे लोग डेटिव केस के रूप में जानते हैं। तो हम क्या देखना है कि अगला जो भेद है इसका वो आपका है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस जिससे कि आप बोलते हो केस ऑफ, केस ऑफ एड्रेस, है ना, केस ऑफ एड्रेस। बिल्कुल सावधानी से इसको हमको पढ़ना है, तो बिल्कुल हल्का है। और इस वोकेटिव केस को जिसे आप हिंदी में बोलते हो संबोधन कारक, इसको क्या बोलते हो, संबोधन कारक। हिंदी ग्रामर में आप देखेंगे ये कारक का आठवां भेद है जिसे आप संबोधन करते हो, यानी आप लिखेंगे द नाउन, द नाउन व्हिच इज कॉल्ड बाय वोकल इज नॉन एज वोकेटिव केस। वोकल मीन्स क्या होता है, वोकल मीन्स होता है आपका स्वर, आवाज, यानी जिसे कि आप पुकार कर बुलाते हैं। अर्थात जब किसी नाउन को आप लिख सकते हैं कि अर्थात जब किसी नाउन को पुकार कर, जब किसी नाउन को पुकार पुकारा जाए तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं, केस कहते हैं। जैसे पापा
कॉमा मारेंगे, कैन आई गो आउट, ये जो पापा के बाद क्या देख रहे हो कॉमा, यानी आप रुके, पापा कैन आई गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं, तो आपने क्या किया यहाँ बुलाया पापा को, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं वोकेटिव केस। और चौथा जो इसका भाग है और अंतिम इसका भेद हुआ आपका है पजेसिव केस, है ना, ये क्या है पजेसिव केस, जिसे कि आप जीनेटिव केस भी बोलते हो, जेनेटिव जेनेटिव केस, ठीक। अब ये इसका कौन सा है, ये चौथा रूप है जिसे कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंध कारक, बिल्कुल ये आसान है, क्या कह रहे हैं संबंध, जो संबंध दिखाता हो उसे हम लोग पॉजेसिव केस या जिनेटिव केस बोलते हैं। तो आप इसे देखें, यानी व्हेन ए नाउन शोज, आपको लिख सकते हैं कि व्हेन ए नाउन शोज रिलेशन विथ द अदर और ऑनरशिप और पोजेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव केस, इज कॉल्ड पॉजेसिव केस, क्या कह रहा है कि व्हेन अ नाउन शो, जब कोई नाउन दिखाता है, क्या दिखाता है रिलेशन संबंध को विथ द अदर दूसरे से, और ओनरशिप या क्या दिखाता है ऑनरशिप यानी मालिकाना हक, और पोजेशन या अधिकार की बात जब करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पजेसिव केस कहते हैं, समझ गए, और इसे हम लोग क्या कहते हैं जिनेटिव केस भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज मोहन्स कार, यह मोहन्स कार है, तो क्या है अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, यानी मोहन का कार, मोहन की गाड़ी, ये जो दिखा रहा है यानी मोहन के अधिकार की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे पजेसिव केस कहते हैं। उसी तरह से दैट इज ए गर्ल्स कार, है ना, दूसरा आप उदाहरण ले सकते हो, उसको आप लिख सकते हो दैट इज ए गर्ल्स कार, ये लड़की की गाड़ी है। तो अब है इतने ये जो संबंध दिखा रहा है, यानी हिंदी में भी आप यदि चाहे तो लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, क्या कहता है कि अर्थात जब कोई नाउन, हिंदी में आप यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अर्थात जब कोई नाउन किसी अन्य नाउन के साथ किसी अन्य नाउन के साथ संबंध दर्शाता हो या अधिकार या क्षमता को दर्शाता हो या क्षमता को
दर्शाता हो तो उसे पजेसिव केस कहा जाता है। क्या दर्शाता हो? क्षमता को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पजेसिव केस। ठीक है, जैसे उदाहरण तो आपको दिए ही थे। अब सवाल उठता है कि हम आगे क्या करना है, तो आगे है कि फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस है ना। ये जो फोर काइंड्स, इसको चारों आपने देख लिया, बिल्कुल हल्का है। एक बार यदि आप इसे देख लेंगे तो फिर आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगला है।